सो हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक है। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में, नई सुबह के साथ। और दोस्तों आज के ब्लॉग में स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। और दोस्तों अभी हमारा नाश्ता पानी नहीं हुआ, आज हम थोड़ा लेट में उठे, मतलब मम्मी तो उठ गई थी जल्दी, मैं तो लेट में उठी क्योंकि आज बारिश हो रही है, कल रात से ही बारिश हो रही है और अभी भी बंद नहीं हुई। दोस्तों ये देखिए अभी भी बारिश ही हो रही है, तो पता नहीं कब होगी। पहले तो ये बारिश आने रही थी और अब जाने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों अब नाश्ता बनाते हैं और आज बना रही है मम्मी मीठी रोटी, तो तब आप लोगों को मिलते हैं, तो बाद में मिलते हैं आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में से बने रहिए, कहीं जाएगा मैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों कल रात से ही बारिश हो रही है और कितनी खतरनाक बारिश हो रही है ये देख सकते हैं आप लोग, बंद ही नहीं हो रही है। और ये देखिए दोस्तों बना रही है मेरी मम्मी, क्या बोलते इसको, लकड़ी। अच्छा पहले जब मन करो लकड़ी छोड़े चार दगड़ निकाल वाला, ओ और अब बाके दगड़ छोड़ दिया पर लगो ने छोड़ा। पहले जब मन करो दगड़ छोड़ यार लगो नहीं छोड़। ये देखिए दोस्तों ठंड का मौसम है तो इसलिए हम बना रहे हैं, ये मम्मी बना रही है मतलब। बस दोस्तों बनने वाला है और कल रात से बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं हमारे यहाँ, देखिए दोस्तों लाइट भी नहीं है, तो थोड़ा चला चला के मतलब थोड़ा बचा बचा के चलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा ब्लॉग। मैंने बोला कि आज बना देती हूँ क्योंकि आज बारिश ने कोहरा मचा रखा है, बंद ही नहीं हो रही है, पता नहीं कब होगी बंद। मेरे को लग रहा पूरे दिन भर की बारिश रही है दोस्तों। तो चलो अब बन गए तो गर्मा गर्म खाते हैं, तब मिलते हैं आप लोगों को। और दोस्तों ये रहा मेरा नाश्ता, ये रोटी मीठी रोटी और एक चावल फ्राई किया थोड़ा और ये दूध। चलो अब नाश्ता करते हैं दोस्तों। हम छोड़ टेस्ट हो रहा दोस्तों, बस भी आज ठंड का मौसम है इसलिए ऐसी चीजें अच्छी लगती है दोस्तों। हाँ लिया मैं पुलाव थोड़ा सा, मतलब चावल फ्राई किया। सो दोस्तों थैंक गॉड लाइट आ गई है, अब चार्ज लगा दो थोड़ी देर फोन, है ना चार्ज नहीं है फोन, थोड़ा मैंने लैपटॉप से कर लिया था फोन चार्ज, पर थोड़ा सही हुआ तो अब थोड़ा कर लेती हूँ, लाइट आ गई क्योंकि। सो दोस्तों बारिश ने तो बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है, तो हमने सोचा चलो एल्बम ही देख लेते हैं। तो दोस्तों ये एल्बम है मेरी दूसरी नंबर वाली दीदी की, उस टाइम में बहुत छोटी थी, 4th में पढ़ी थी, तो देख रहे हैं हम मैं और मम्मी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, कुछ कुछ पिक्स दिखाऊंगी ना, सारी एल्बम तो कैसे दिखाऊंगी। सबसे पहले तो गणेश भगवान जी की फोटो आती है हर जगह ना। और ये देखिए दोस्तों ये दूसरी नंबर वाली दीदी मेरी, जिनको आप लोग बोले थे कि मेरी जैसे दिखती है, पहले तो हेल्दी थी शादी से पहले, है ना हेल्दी, अब तो कमजोर हो गई है वैसे थोड़ा, है ना जी। अब जी जी हेल्दी हो गए है ना, अजय जी पहले पतले थे। और दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा पहले की दुल्हन ना ऐसे कुमकुम लगाती थी, बहुत सुंदर लगती थी इसमें ना, अब नहीं लगाती है ना माँ, देखिए कितनी सुंदर लगती थी पहले की दुल्हन ऐसे कुमकुम लगा के। और सबसे ज्यादा अपनी शादी में ये दीदी रो दी थी, है ना, ये हमारे पंडित जी बिल्कुल नहीं बदले पंडित जी तो। और दोस्तों ये रही मैं, मैं सबसे बड़ा वाली दीदी है, ये दीदी इधर पॉलिटेक्निक करती थी, ये ताई की लड़की, और मैं तीसरे नंबर वाली दीदी, ये ताई की सबसे बड़ी लड़की ना सांदिनी। पंडित जी की स्माइल देखो भाई, है पंडित जी की स्माइल करती, और ये ताई की दूसरी नंबर वाली दीदी है ना लड़की। हाँ दोस्तों मेरे को देखो, है वो पहले तो फोटो खिंचाने का बहुत शौक रहता था ना उस टाइम पे, ना हर जगह पे घुस जाते थे फोटो खिंचवाने के लिए। और ये देखिए मेरी मम्मी, अब तो मम्मी बूढ़ी हो गई है ना, ये देखिए मेरा भाई 9th में पढ़ हो गए तब 18 साल हो गए। ये देखिए मम्मी अब बूढ़ी हो गई, मैंने देखो 18 साल हो गए तब, नहीं 18 साल है ये इसकी शादी की। हाँ यहाँ पे मम्मी कितनी स्मार्ट लग रही थी, कितनी ब्यूटीफुल सुंदर।
और दोस्तों ये रही मेरी नानी, और ये है दोस्तों मेरे पापा, और ये ताऊ जी है ना। और ये देखिए दोस्तों, पहले की दुल्हन पे तो ऐसी मेहंदी लग जाती थी ना, देखो यहीं यहीं तक लगा रखी मेहंदी है ना। ये देखिए दोस्तों, पैरों की मेहंदी, हाथों की मेहंदी, और ये देखिए यहाँ पे फिर से मैं आ गई। और दोस्तों ये देखिए जयमाला में जा रहे हैं, और फिर से रही ये मैं। और ये देखिए यहाँ पे सारे बच्चे पार्टी। ये देखिए दोस्तों ये मंगलसूत्र है जी, जुलम पहनाई हो। अच्छा अच्छा, हार यूचु लॉकेट, अच्छा पत्याल त्यात्राम ना चीज लग रही है। और फाइनली दोस्तों हो गई यहाँ पे विदाई, और देखो कितना रो रही है दीदी। दुल्हन पिया घर चली, ये देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा यही दीदी रो रही थी ना, मैं इतना कोई नहीं रोया। और छोटे हाँ 19 साल में हो गई दीदी की शादी ना, 18 साल शादी की भी हो गई। तो दोस्तों देख लिया हमने एल्बम, क्योंकि बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, तो हमने बोला घर के अंदर बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो मम्मी ने और मैंने बोला चलो एल्बम देख लेते हैं ना, यादें ताजा हो जाएंगे ना मम्मी। अब हम आज बनाएंगे हम आलू बड़ी का साग और भात है ना मम्मी, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों को, देखते हैं अब क्या होता है आगे ना। बारिश तो बाहर ही नहीं निकलने दे रही भैया आज, तो बारिश ने तो बोला कि आज सब घर के अंदर रहो। हो जाता कभी कभी ऐसे ना, क्या पता साफ भी हो जाए, पर देखते हैं अब होगा तो मौसम। तो दोस्तों बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या करें, बट दूध लेके तो आना ही पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। चलो दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों कीचड़ ही कीचड़ हो गया रास्ते में देखिए। और ये देखिए दोस्तों नदी भी आ गई है, ये देखिए कल रात से लगातार बारिश हो रही थी ना, इसलिए ये देखिए। तो दोस्तों अब नदी पार करते हैं, मेरा फोन ना गिर जाए कहीं। चलो फाइनली दोस्तों नदी पार कर लिया मैंने। और दोस्तों ये थल नदी से जो पानी नीचे जाता है ये सीधे लालढांग जाता है दोस्तों, ये पानी सीधे लालढांग जाता है दोस्तों, देखिए। सो दोस्तों हम बारिश में ना क्या लूडो खेल लेते ना सारे, और हम कितने मैच जीत गए, टीम अप करके थे हम, कितने मैच जीते। और इसकी दीदी ने बोला मेरा नामकरण कर देना, अभी वो बर्तन धो रही है पता नहीं कहाँ, हाँ अभी है वो गई है कहीं, अभी आएगी तब उसको दिखाएंगे हम, ठीक है। इसकी मम्मी इसकी दीदी थी है ना, हम 4 मैच जीत गए, वो 1 मैच जीते बस है ना। सॉरी कग जा सॉरी, तू आई नहीं नदी, तू मत है ना इसे ना इनामी आई। चलो देखिए करना ना, अभी एक भी बार खबर है ना तब और भयंकर झेल ना। हाँ उन आई थे थोड़ा, मत हिंदा ये मत हिंदा मेहंदी खाच। अभी आयल ना, अभी दी बार खबर रहते ना सारे। सो दोस्तों अभी तो इतनी बड़ी नदी नहीं आई, एक दो बारिश और होगी ना खतरनाक, फिर पूरे उधर नदी आ जाएगी। अभी इधर तो आ रखी है थोड़ी बहुत, अब उधर भी आ जाएगी है ना सारे। ये भाई मौसम कितना खतरनाक हो रहा है, गर्म है अच्छा की। चलो घर से घर से चले, चलो भयंकर बारिश आ गई फिर। अरे मुना अंदर रखा ही नहीं अभी, इन निकल दिला। हाँ और ये देखिए इनको आया हमने 4 बार। ये जो लूडो कह रहे थे हमारे नाम बदल देना है, क्या क्या बोले, ये जो
नाम बदल देना। क्या नाम रखा आपने इनका? अभी सोच रहा है, सॉरी है ना, सैली से नामकरण होगा अभी दूसरा ना। तदब्बर दंद हो रहे हैं बेचारे। तो दोस्तों कल सोच के बताएंगे इनका नाम दूसरा, ठीक है? बेचारे फुल जोश में थे पर फिर भी हार गए। कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, ठीक है? हाँ वो मेरी टीम में जीता, नहीं दो बार जीता तुम्हें से। हाँ, दो बार जीते। बाय सारिया। बाय। दोस्तों मैं दूध लेके आ चुकी हूँ और अब खाना बनाते हैं। आलू बड़ी का साग तो बन चुका है और अब चावल बनाते हैं, उसके बाद खाते, तब मिलते आप लोगों को नेक्स्ट शाम को। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और अब थोड़ी सी राहत है बारिश से, अभी नहीं हो रही है बारिश। और छाता उल्टा हो गया। तो दोस्तों मैं चाय चुई पी ली है, तब अब देखते हैं। वैसे तो अब कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही घूमेंगे बाहर। और ये मैं दिखाती हूँ आपको मौसम, भाई कितना खतरनाक लग रहा है अभी। ये देखिए दोस्तों उधर साइड बारिश आने वाली है फिर से। ये देखो दोस्तों मम्मी गोबर लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर छाता रखा है। बड़ा चीज बंद क्या होगी ना है। चल तो जमी आना छो अभी। ये देखो दोस्तों यहाँ रहती है हमारी बाछी। बाछी आगे तो चोरी गन चलता। गुड नाइट। हमने अंदर बांध दिया दोस्तों मम्मी ने। और दोस्तों इस बारिश में नाग भी दम कर दिया, फिर आ गई, देखो फिर आ गई। सो दोस्तों आप कुछ काम काज भी नहीं है, मैं खाना बनाते हैं सो जाते हैं। तो दोस्तों नहीं मैं कमेरा ना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।